Hello candidates and welcome to Government Crackers. This is Kavita and today I am going to tell you the most awaited notification, that is for TES 46. Official notification by Indian Army has already been released. So application process kya hoga, is bar TES 46 se kya major changes aaye hain jo TES 45 mein nahi the. Jaise aapko pata hai ki JEE mains ko is bar applicable kar diya gaya hai apart from your 12th ka criteria. So complete process kya hai, SSB ka kya process hota hai, those who are new jinhe kuch idea nahi hai, is video mein hum wo sari details discuss karne ja rahe hain. So dhyan se dekhiyega, all those candidates jo JEE mains de rahe hain, they have an golden opportunity ki wo TES 46 ki help se Indian Army mein as an officer ek career dekh sakte hain. So before we move forward, do not forget to like, share and subscribe the YouTube channel of Government Crackers taki aapko regular updates milte rahe, job notifications milte rahe and jo bhi update aayegi sabse pehle Government Crackers use cover karega aapke liye. Now ye aap website dekh sakte hain official, jisme January 22nd ka jo course commencement date aa raha hai, iske liye online application form TES 46 ke basically start honge in the month of July and August. So July end ho raha hai, so kabhi bhi आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो सकते हैं. एक मंथ तक का ये प्रोसेस चलने वाला है, टिल लास्ट अगस्त आप मान के चले कि यू विल बी गेटिंग द एप्लीकेशन डेट्स फाइनल सबमिशन के लिए एंड फ्रॉम मिड सितंबर यू कैन एक्सपेक्ट योर एसएसबीज जो स्टार्ट हो जाएंगी. सो यू हैव हार्डली वन मंथ फॉर योर एसएसबी प्रिपरेशन, वन और 1.5 मंथ्स फॉर योर एसएसबी प्रिपरेशन. तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी के लिए जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम पीसीएम इन क्लास 12th एंड जो मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया दैट इज 60% एग्रीगेट के अलावा, इस बार जेई मेंस रिक्वायर्ड है. सो वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो जेई मेंस दिया है उन्होंने एंड इस करंट ईयर का जेई मेंस रिक्वायर्ड है. ऐसा नहीं कि आपने पहले जेई मेंस दिया हो, ठीक है. सो करंट जेई मेंस आपने दिया हो और एप्लीकेशन फॉर्म अब रिलीज हो रहे हैं, ठीक है. प्रोसेस जो एंट्री का है वो ये है कि 12th में बेसिकली आपके 60% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में. वंस ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टीएस 45 तक सिर्फ यही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था. टीएस 46 से क्या कर दिया गया है, टीएस 46 में एक एडिशन किया गया है. एडिशन है आपका जेई मेन्स का. जेई मेन्स की कोई स्पेसिफिक कट ऑफ यहाँ पे नहीं रखी गई कि कितने मार्क्स आपको अटेन करने हैं. द ओनली कंडीशन यहाँ है कि आपको जेई मेन्स में अपियर होना है, बैठना है. तो जरूरी नहीं आप जेई मेन्स क्लियर करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंक देखी जाएगी, आपके मार्क्स देखे जाएंगे, दोनों का वेटेज काउंट करके एक शॉर्ट लिस्टिंग होगी, एक कट ऑफ रिलीज होगी ऑन बिहाफ ऑफ जेई मेन्स एंड 12th एग्रीगेट, ठीक है. सो ये इस बार का पूरा प्रोसेस होने वाला है. इसके बाद शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपकी एसएसबी की कॉल्स होंगी. एसएसबी आपको पता है इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस जिसमें तीन स्टेजेस होते हैं बेसिकली. एक स्टेज वन होता है जिसे आप स्क्रीनिंग स्टेज बोलते हैं, जो कि डिफिकल्ट स्टेज होता है. स्टेज टू आपका होता है जिसमें 4 to 5 days का कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें आपका साइक एंड जीटीओ इंटरव्यू, ये सारी चीजें होती हैं. एंड देन स्टेज थ्री इज योर मेडिकल्स एंड फॉर द मेरिट एंड, ठीक है. सो हर स्टेज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, बट द मोस्ट क्रूशियल स्टेज इज स्टेज वन स्क्रीनिंग में, जहां पे आउट ऑफ 100 मान के चले 75% ऑफ द कैंडिडेट्स आर थ्रोन आउट, ओनली 25 गेट स्क्रीन इन और वो आगे फर्दर जाते हैं स्टेज टू में एंड द रेशियो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. सो वन मंथ है हाथ में, 1.5 मंथ है, वी कैन डेफिनेटली प्रिपेयर गुड. लास्ट टाइम गवर्नमेंट क्रैकर्स से टीएस 44 के लिए एंड टीएस 45 के लिए इट वॉज वेरी गुड रिजल्ट. वी हैड 75% ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ आर कैंडिडेट्स. This time also we are expecting the same. So all those candidates जो plan out कर रहे हैं TS 46 के लिए, they can start their preparation immediately. Already with the release of notification, more than 100 plus candidates for TS have already enrolled into the SSB course. Now why I am saying SSB course? Because we have given good results in the previous technical entry schemes for 44 and 45 and have covered all the informations and updates. ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी. अगर आपके कोई पर्सनल क्वेरीज है, डाउट्स हैं, वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं. साथ ही एसएसबी प्रिपरेशन के लिए आपको पैकेज में मिलने वाला है 15 प्लस ई बुक्स का पैकेज. बेसिकली हर टेस्ट को हमने इंडिविजुअली एक एक बुक के साथ कवर किया हुआ है, जो कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेगा. कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके लिए आपके 15 to 20,000 रुपीज लेगा और 10 से 15 डेज की ट्रेनिंग देगा. गवर्नमेंट क्रैकर्स यहाँ आपको उससे ज्यादा ट्रेनिंग देता है,
टिल योर SSBs आर देयर आपको कोर्स अवेलेबल है एंड ये सारे पैकेजेस इंडिविजुअल बुक्स जिसमें मोर देन 1000 प्लस प्रैक्टिस मटेरियल हैं ये सब आपको अवेलेबल मिलेगा गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पे एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट और आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फ्री आपको मॉक टेस्ट मिलेगा यानी आप SSB प्रिपेयर करने के बाद कोर्स में फ्री इंटरव्यू दे सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी तरह और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं. सो एप्पल स्टोर पे, प्ले स्टोर पे दोनों पे ये ऐप अवेलेबल है. आप डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द अपकमिंग अपडेट. जब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम पूरा प्रोसेस कवर करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स फॉर ऑल अपडेट्स एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन जय हिंद.